दोस्तों, बॉलीवुड इंडस्ट्री में काफी कम समय में सफलता हासिल करने वाले मशहूर अभिनेता वरुण धवन को भला कौन नहीं जानता होगा, जिन्होंने अपने चुलबुले अंदाज से लाखों करोड़ों फैंस के दिल में अपनी एक अलग जगह बनाई है। जिन्होंने मैं तेरा हीरो, जुड़वा 2, बदलापुर, स्टूडेंट ऑफ द ईयर और हम्टी शर्मा की दुल्हनिया जैसी हिट फिल्में बॉलीवुड को दी हैं। यही वजह है जिसके चलते इनके फैंस हमेशा इनकी आने वाली मूवी का बेसब्री से इंतजार करते हैं। ऐसे में इनके फैंस जानना चाहते हैं कि इनकी अपकमिंग मूवी कौन सी होगी और फिल्म की कहानी क्या होगी और फिल्म में कौन से स्टार कास्ट काम करते हुए नजर आने वाले हैं। तो आज की इस वीडियो में हम आपको वरुण धवन की अपकमिंग मूवी के बारे में बताने वाले हैं। तो अगर आप भी इस फिल्म के बारे में जानना चाहते हैं तो आप हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक बने रहें और साथ ही दमदार अभिनेता के लिए आप हमारी वीडियो को लाइक करना ना भूलें। बॉलीवुड इंडस्ट्री के जाने माने अभिनेता वरुण धवन, जिन्होंने बॉलीवुड को एक से बढ़कर एक फिल्में दी हैं, जिसमें 2019 में आई फिल्म कलंक ने बॉक्स ऑफिस पर 200 करोड़ से ज्यादा की कमाई की थी। यह फिल्म एक ड्रामा हिस्टोरिकल मूवी थी जिसमें वरुण धवन के साथ मेन लीड एक्टर के तौर पर माधुरी दीक्षित, सोनाक्षी सिन्हा, आदित्य राय कपूर नजर आए थे। यह फिल्म दर्शकों द्वारा काफी पसंद की गई थी, जिसके बाद साल 2020 के शुरुआत में ही वरुण धवन की स्ट्रीट डांसर 3D मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा दिया है, जिसमें वरुण धवन के अभिनय को काफी ज्यादा पसंद किया गया। वहीं वरुण धवन अपनी अपकमिंग मूवी कोली नंबर 1 को लेकर काफी सुर्खियों में बने हुए हैं, जो कि 1 मई को रिलीज होगी। ऐसे में उनके फैंस के लिए एक और गुड न्यूज है। आपको बता दें, वरुण धवन आपको जल्द ही एक और मूवी के साथ दिखेंगे। जी हाँ दोस्तों, हाल ही में एक अनाउंसमेंट हुई है वरुण धवन को लेकर। इसमें बताया जा रहा है कि वरुण धवन एक बार फिर अपने एक और अपकमिंग मूवी मिस्टर लेले लेकर आ रहे हैं, जो कि 1 जनवरी 2021 को रिलीज होने वाली है। इस फिल्म में वरुण धवन एक बार फिर कॉमेडी का तड़का लगाते हुए आप सभी को नजर आने वाले हैं। इस फिल्म में वे स्टैंड अप कॉमेडी करते हुए नजर आएंगे, जहां फिल्म में वरुण धवन कॉमेडी बिखेरते हुए नजर आएंगे, तो वहीं फिल्म के अंदर उनका रोमांस भी जमकर देखने को मिलने वाला है। वे भी एक नहीं बल्कि दो दो एक्ट्रेस के साथ, और वो होंगे जानवी कपूर और भूमि पेडनेकर के साथ। आपको बता दें, ये फिल्म करण जौहर के प्रोडक्शन हाउस के बैनर तले बनाई जा रही है और इस फिल्म के डायरेक्टर कौन होंगे इस बात का अभी खुलासा नहीं हो पाया है। ऐसे में फिल्म की शूटिंग जल्द ही शुरू की जा सकती है। जहां वरुण धवन अपनी अपकमिंग मूवी कोली नंबर 1 को लेकर एक्साइटेड हैं, तो वहीं अरुण खेतरपाल की बायोपिक मूवी में बिजी हैं। तो वहीं जानवी कपूर गुंजन सक्सेना द कारगिल गर्ल बायोपिक की शूटिंग कर रही हैं और इन दोनों फिल्मों की शूटिंग की वजह से दोनों स्टार्स काफी बिजी चल रहे हैं। ऐसे में मूवी मिस्टर लेले की शूटिंग थोड़ी देर से ही हो सकती है। इसके अलावा फिल्म में और कई सारे नए चेहरे जुड़ते हुए देखने को मिलने वाले हैं। वेल, अगर 1 जनवरी को वाकई में ये फिल्म रिलीज होती है तो फिल्म मिस्टर लेले का ट्रेलर आप सभी को दिसंबर 2020 के फर्स्ट वीक तक देखने को मिल जाएगा और उसके बाद लगातार फिल्म के गाने भी सामने आते रहेंगे और न्यू ईयर के साथ साथ वरुण धवन के कॉमेडी का तड़का देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, आपको वरुण धवन की अपकमिंग मूवी का कितना बेसब्री से इंतजार रहेगा? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही बॉलीवुड इंडस्ट्री से जुड़ी ऐसी और खबरों को जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।